नेक्स्ट आती है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की एप्लीकेशन कि जो हमने अभी तक समझा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है और कैसे कैसे इसमें हम फ्रिंजिस को मॉडिफाई कर सकते हैं को चेंज कर सकते हैं तो इस अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर को कैसे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है की इंटरफेरोन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हम सोर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो यूज कर रहे हैं जिसकी की कुछ वेवलेंथ होगी लेमडा इस लैम्डा वेवलेंथ को हम इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें ये ये पर्टिकुलर कंडीशन सेट करनी पड़ेगी कि आपका M1 वन एंड एम मिरर है वो दोनों मिरर एग्जेक्टली परपेंडिकुलर पोजीशन पे हैं अगर ये दोनों परपेंडिकुलर पोजीशन पे हैं तो एम एम वन एंड एम टू प्राइम दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली exactly पैरल होंगे यहाँ पे जो एम वन एंड एम टू प्राइम के बीच की जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग अगर हमारे डी है तो यहाँ पे हमारा पार्ट डिफरेंस कितना बनेगा 2d डी कोसीटा और ये पार्ट डिफरेंस 2d डी कोसीटा इक्वल टू एन लेमडा होगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए ये कंडीशन है तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर कंडीशन पे हमें ब्राइट फ्रेंस मिलेंगी हम मान लेते हैं जो थीटा एंगल हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो बहुत स्मॉल है अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी तो थीटा वन हो जाएगा और कोल थीटा अगर वन हो गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा टू डी इक्वल टू एन लेमडा अब ये टू डी इक्वल टू एन लेमडा ये कंडीशन क्या होगी दिस इज कंडीशन फॉर एन एथ होर्डर ब्राइट फिंस कि कोई भी एन एथ ऑर्डर ब्राइट फिंस होगी उसके लिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अब हमारे पास एनएथ होडर ब्राइट फिंस आ गई है उसको हम कह सकते हैं कि हमने कोई भी यहाँ पे अपना जो भी क्रॉस वायर है उससे हमने मार्क लगा लिया क्योंकि ये हमारी ये एक ब्राइट फ्रिंस है जो कि की कीबल होता है एम टू मिरर हमारा फिक्स होता है तो हम M1 वन मिरर को फ्रंट बैक में मूव कर सकते हैं हम यहाँ से M1 वन मिररर को मूव करेंगे और कितना मूव करेंगे कि आपका जो d डिस्टेंस है उसको लेमडा बाई टू से इंक्रीज कर दे अगर मैंने इस डी डिस्टेंस को लेमडा बाई टू से इंक्रीज कर दिया तो टोटल पाथ में कितना चेंज आ गया आपकी रे है वो लेमडा बाई टू आगे जाएगी एंड लेमडा बाई टू वापिस आएगी इसका मतलब लेमडा का एक्स्ट्रा पाथ रे ट्रेवल करेगी तो यहाँ पे जो 2d आपका पार्ट डिफरेंस था वो किसके इक्वल हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 2d डी प्लस लेमडा के इक्वल और जैसे ही ये 2d डी प्लस लेमडा के इक्वल होगा ये क्या कंडीशन हो गई जब 2d हमारा n लेमडा के इक्वल था तो वो एन एथोडर ब्राइट फ्रिंस थी अब ये 2d डी प्लस लेमडा कर दिया तो ये हमारी एन प्लस हो गई अब ये n प्लस वन एथर ब्राइट फ्रेंस हमें मिल गई इस पर्टिकुलर कंडीशन से तो हम कह सकते हैं कि जब हम m1 को फर्दर मूव करेंगे और इस टाइप से मूव करेंगे कि दो लेमडा बाई टू के पार्ट डिफरेंस हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें फर्दर हमने आगे जैसे ये का यहां तक था, तो हमने इसके आगे यहाँ पे फर्दर डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये टोटल का पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू लेमडा ठीक है तो ये यहां से यहां तक का आपका पार्ट डिफरेंस अब लेमडा का इंट्रोड्यूस हो गया है इसका मतलब किसके कि, किस इक्वल है ये इक्वल है टू लेमडा बाई टू के अब वन अब एक बार लेमडना बाई टू का पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया था तो एन ऑर्डर से एनप्लस एन प्लस ऑर्डर पे आपकी फ्रिंस वो शिफ्ट हो गई थी तो अगर हम टू लेमडा बाई टू का पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये एन प्लस टू ऑर्डर पे शिफ्ट हो जाएगी इसी टाइप से थ्री लेमना बाई टू का पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये एन प्लस थ्री ऑर्डर पे शिफ्ट हो जाएगी और तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि हम कुछ एम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजिस को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो एम ब्राइट फ्रिंसिस को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो टोटल यहाँ पे जो हमने एम वन को मूव किया वो कितना हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा एम लेमडा बाई टू के अब इसको मैं आपको एक वीडियो की फॉर्म में दिखाना चाहूंगी कि जो फ्रिंजिस है वो हम शिफ्ट कैसे कर रहे हैं अब हम बात कर रहे थे फ्रिंजिस को शिफ्ट करने की तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये फ्रिंजिस दिख रही हैं। जैसे ही हम अपना जो M1 वन मीर है उस M1 वन मीर को मूव करेंगे तो देखो आपकी ये यह फ्रिंज यहाँ पे शिफ्ट हो गई मीन्स हमने एक ब्राइट फ्रिंज को ओवरलैप कर दिया है यहाँ पे फिर से हम मिरर को मूव करेंगे तो फिर से हमारी जो ये नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंस थी ये नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंस भी यहाँ पे ये यह देखो ये मर्ज हो गई है तो जब ये एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे मर्ज होती है तब आपका जो एम वन मीर है वो लेमडा बाई टू के पास से मुह करता है फिर से सेकेंड फ्रिंज यहाँ पे मर्ज होती है तो एम वन मीर अगेन लेमना बाई टू के पास से मर्ज करता है तो इस टाइप से हम अगर एम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजिस को यहाँ पे मर्ज करते हैं तो हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर केस की आपका जो एम वन मीर इनिशियली हमने इसका, इसकी पोजीशन को मेजर कर लिया और इनिशियली इसकी पोजीशन हमने कह दी यहाँ पे X1 है अब ये X1 वन पोजिशन हम कैसे मेजर कर सकते हैं ये माइक्रोमीटर स्क्रू से हम मेजर कर सकते हैं अब हमने क्या किया इस M1 मिरर को यहाँ पे मूव करना स्टार्ट किया और इसको हम जो मूव कर रहे हैं उसमें लेमडा बाई टू मूव किया फिर लेमडा बाई टू मूव किया फिर लेमडा बाई टू मूव किया तो अब ये लेमडा बाई टू जो हम मूव करते जा रहे हैं वो हमें कैसा पता चल रहा है वो हमें इन फ्रिंजिस को ऑब्जर्व करके पता चल रहा है एक फ्रिंज हमारी मर्ज हुई दूसरी फ्रिंज हमारी मर्ज हुई तीसरी ब्राइट फ्रिंज हमारी मर्ज हुई तो इस टाइप से हम एम ऑर्डर ब्राइट फ्रिंस को मर्ज कर देंगे तो ये टोटल जो यहाँ पे डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो किसके इक्वल हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा m लेमडा बाई टू और फाइनल जो यहाँ पे पोजिशन बनेगी m1 की वो पोजिशन क्या बन जाएगी हमारी वो पोजिशन यहाँ पे बन जाएगी x2 अब इस x2 टू पोजिशन को भी हम फिर से माइक्रोमीटर स्क्रू से मेजर कर लेंगे एंड हम लिख सकते हैं दिस x2 टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एन एम लेमडा बाय अब यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा लेमडा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स टू इज फाइनल पोजिशन ऑफ दिस मीर एक्स वन इज इनिशियल पोजिशन ऑफ दिसमर एंड एम जितनी भी ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे हमने शिफ्ट होते हुए observe की थी वो वैल्यू तो इन सब की वैल्यू हमें पता है इन सब की वैल्यूज को जब पुट करेंगे हम तो जो भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स हमने यूज किया था उसकी वेवलेंथ यहाँ से हमें मिल जाएगी नेक्स्ट एप्लीकेशन माइकलसन इंटरफेरोमीटर की है डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म कि अगर हमारे पास एक थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म है तो उसकी थिकनेस और उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को भी हम इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर से मेजर कर सकते हैं अब माइकन इस पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए हम क्या लेके चलेंगे इस पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए हम अपना ये क्रॉस अरेंजमेंट लेके चलेंगे कि M1 मिरर को M2 मिरर की जो इमेज है वो क्रॉस कर रही है एक्जेक्टली exactly. और उससे हमें क्या मिलेगा उससे हमें यहाँ पे स्ट्रेट प्रिंसिज मिलेंगी अब हम इस पर्टिकुलर पोजिशन में सेट करने के बाद यूज करेंगे यहाँ पे व्हाइट लाइट सोर्स अब यहाँ पे हमने व्हाइट लाइट सोर्स यूज किया हम जो ये कंडीशन हमने सेट की है इस कंडीशन में हम लेके चल रहे हैं जो डिस्टेंस डी एन एन पॉइंट आपका एम वन के ऊपर है ये डिस्टेंस डी एन किसके इक्वल है डी W के इक्वल क्योंकि डब्लू और एन दोनों आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर है और ये डिस्टेंस आपका इक्वल है डी एम टू के तो ये सारे डिस्टेंसेस इनिशियली हमारे इक्वल हैं ये पर्टिकुलर कंडीशन हम लेके चल रहे हैं अब हमें क्या करना है कि एक थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म है ये थिन थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म हमने ये मान ली और इस ट्रांसपेरेंट फिल्म की हमने कहा टी थिकनेस है एंड इसका म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है अब इसका टी एंड म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो हमें हम क्या करेंगे इनिशियली जब हमने ये कंडीशन ली थी उस टाइम ये जो ट्रांसपेरेंट फिल्म थी ये इस पाथ में नहीं थी लेकिन उसके बाद हमने जैसे ही ये प्रॉपर अरेन्जमेंट कर दिया हमने ये ट्रांसपेरेंट फिल्म यहाँ पे इस पाथ में इंट्रोड्यूस कर दी जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट फिल्म हम इस पाथ में इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो डी एम टू आपका ये पाथ होगा या फिर जो सेकेंड रे आपकी यहाँ से ट्रेवल करेगी उस रे का पाथ क्या बन जाएगा यहाँ पे उसका ऑप्टिकल पाथ अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल होगा वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ डी एम टू माइनस टू टी प्लस टू म्यू टी इसको हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ डी एम टू प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस वन टी ऐसा क्यों कि क्यों लिखा हमने क्योंकि ट्वाइस ऑफ डी एम टू पाथ हमारा एयर के अंदर है लेकिन जैसे ही हमने ये थिन फिल्म यहाँ पे इंसर्ट कर दी टू टी पाथ अब ये रे ट्रेवल कर रही है ग्लास के अंदर जो कि इस DM2 से रिड्यूस uh, हो जाएगा सो दिस टू डीएम टू माइनस टू टी एंड जो टू टी पाथ ट्रेवल किया जा रहा है वो रे पे ट्रेवल कर रही है? है इस म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर वन टाइम्स जाते टाइम एंड वन टाइम्स वापस रिटर्न होते टाइम सो टू म्यू टी पाथ होगा वो ग्लास लाइट के अंदर होगा तो टोटल ये पाथ आपका कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डीएम टू प्लस टू म्यू माइनस वन इन टू टी तो इसका मतलब है सेकेंड रे का पाथ अब चेंज हो गया है फर्स्ट रे के पाथ के कंपैरिजन में जैसे ही पाथ चेंज होगा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ये शिफ्ट हो जाएगा इनिशियल कंडीशन हमारी जब हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया था तो ये जो एक आ, हम कंडीशन बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम, हमें यहाँ पे ये ब्राइट फ्रिंस अपनी दिख रही थी व्हाइट लाइट की जो फ्रिंस है ये दिख रही थी लेकिन जैसे ही हमने ये ग्लास स्लाइड यहाँ पे इंट्रोड्यूस की टी थिकनेस की ये कंडीशन हमारी शिफ्ट हो गई है बी के अकॉर्डिंग अब इस बी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो व्हाइट लाइट फ्रिंज है वो व्हाइट लाइट फ्रिंज हमारी इस साइड शिफ्ट हो जाएगी क्यों क्योंकि इधर ज्यादा पाथ डिफरेंस ट्रेवल किया गया है और ये जो पॉइंट आपका डब्लू था जो कि आपका पॉइंट इस एम टू मिरर के ऊपर था वो डब्लू पॉइंट आपका शिफ्ट होकर डब्लू प्राइम हो गया अब हमें क्या करना है इस W प्राइम एंड इस N पॉइंट दोनों को एक दूसरे के साथ मैच करना है और इन दोनों को एक दूसरे के साथ मैच करने के लिए हमारे पास मस्ट कंडीशन है कि जो ऑप्टिकल पाथ आपकी रे ने M2 मिरर की साइड से ट्रेवल किया था वही ऑप्टिकल पाथ आपकी रे M1 मिरर की साइड से ट्रेवल करे मीन्स ये दोनों ऑप्टिकल पाथ आपके इक्वल होंगे तो उस केस में आपका W और एन दोनों की लोकेशन फिर से ओवरलैप कर जाएगी तो ये दोनों इक्वल कब होंगे इधर हमने देखा कि एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया है तो इस एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया इस एम मिरर को मूव किया और इस मिरर को कितना मूव किया इसको मिरर मिरर इस को, कर, इस को हमने मूव कर दिया है डी डिस्टेंस पे तो जैसे ही हम इस इस मिरर को डी डिस्टेंस तक मूव करेंगे और हमें ये कंडीशन मिलेगी कि डब्लू और एन दोनों फिर से मैच करेंगे तो उस टाइम क्या होगा आपका जो ये ऑप्टिकल पाथ था आपका सेकेंड रे का वो फर्स्ट रे के ऑप्टिकल पाथ के इक्वल हो जाएगा इसका मतलब ट्वाइस ऑफ डी एम टू प्लस टू में माइनस वन इंटू टी किसके इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ डी एन प्लस ट्वाइस ऑफ डी क्योंकि d हमने क्या किया है m1 मिरर को d डिस्टेंस मूव किया है तो d आपके तो आपके रे डी डिस्टेंस ऊपर जाएगी डी डिस्टेंस नीचे आएगी तो टू डी पाथ इसने यहाँ पे ट्रेवल किया एंड बाकी आपका ट्वाइस ऑफ डी एंड पाथ ये ट्रेवल किया तो आपके दोनों रेज के जो पार्ट डिफरेंस हैं वो अगर इक्वल हो गए तो उस केस में अगेन आपका ये जो डब्ल्यू पॉइंट है ये एन पॉइंट के साथ ओवरलैप कर जाएगा तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट डिफरेंस है इन दोनों पार्ट डिफरेंस को हम इक्वेट करेंगे अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो डी एम टू था वो डी एन के इक्वल था हमारा जो डीएम टू हम लेके चले थे वो हमारा डीएन के इक्वल था तो ये डी एन और डीएम टू दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुए दोनों साइड ये दोनों भी हमारे इक्वल होंगे और ये दोनों अगर हमारे इक्वल होंगे तो हमें म्यू टी एंड डी इनके बीच में यहाँ से एक कंडीशन मिल गई है अब ये डी हमें पता है ये डी क्या है डी जितना डिस्टेंस हमने इस एम वन मीटर को मूव किया तो ये डी डिस्टेंस हमें पता है अब इस डी डिस्टेंस को अगर हम इसमें पुट करते हैं और हम कहते हैं कि अगर हमें थिकनेस पता है तो ये जो थिन फिल्म है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं एंड अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें पता है तो इसकी थिकनेस हम निकाल सकते हैं अब यहाँ पे फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने व्हाइट लाइट सोर्स यूज किया है क्योंकि जो व्हाइट फ्रिंस है वो हमारी लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो रही है उसको हम बड़ी इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बजाय कि हमारी डार्क ब्राइट फ्रिंस होंगी उनको तो इसलिए हम यहाँ पे इस केस में व्हाइट लाइट यूज करेंगे इस प्रोपर पर मेजरमेंट के लिए तो नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन बनती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर कि जो हमारा मीटर स्केल होता है उसको हम इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर से स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं लेंथ ऑफ मीटर मेजर इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड वेवलेंथ इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर अब इसके लिए हम एक यहां पे डिवाइस यूज करेंगे एटलोन बेटलोन क्या होता है इट इज ए सब स्टैंडर्ड स्टैंड लेंथ एंड कंसिस्ट ऑफ टू मिरर्स विच आर प्लेन पेरल एंड हाईली सिल्वर्ड एट देयर फ्रंट सरफेस द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स इज एल कि आपका एक डिवाइस जिसमें कि दो मिरर्स होते हैं एम वन एंड एम टू हमारे अगर मिरर हम लेके चल रहे हैं तो ये दोनों मिरर एक दूसरे के एग्जैक्टली exactly पैरल होते हैं एंड ये हाईली सिल्वर्ड होते हैं हाईली सिल्वर्ड कोटिंग होती है, है यहाँ पे ताकि इनके सरफेस कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड हो और इनके बीच की लेंथ को हम यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो दो मिरर्स विद एल लेंथ इन बिटवीन एंड ये जो मिरर्स हैं वो कंप्लीटली पैरल एंड हाईली सिल्वर्ड हैं तो ये हमारे एटलोन बनते हैं तो इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर में नाइन एटलॉन्स यूज किए जाते हैं और वो एटलॉन्स जो हम यूज कर रहे हैं वो इस टाइप से हैं कि द लेंथ बींग ट्वाइस द लेंथ हो प्रिसीडिंग एटलॉन कि एक एटलॉन की जो लेंथ है वो पहले वाले एटलॉन से डबल होगी अब जो स्मॉलेस्ट लेंथ का एटलॉन यूज किया गया है वो क्या है उसकी लेंथ क्या है 0.0390635 सेंटीमीटर एंड जो लॉन्गेस्ट का एथलॉन यूज किया गया है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर तो इस टाइप से नाइन एथलोस यूज करके हम स्टैंड ऑफ मीटर इंटरफेरोमीटर से कर सकते हैं अब हम इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं द एक्सपेरिमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ये आपका इस है सो द एक्सपेरिमेंट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स सबसे पहले हमने क्या किया द नंबर ऑफ वेवल्स ऑफ द मोनोक्रोमेटिक कैडमियम लाइट इज काउंटेड फॉर द दिन हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक uh, सोर्स भी यूज करेंगे एंड व्हाइट लाइट सोर्स भी यूज करेंगे पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स कब यूज करना है एंड व्हाइट लाइट सोर्स कब यूज करना है हम जब इन मिरर्स को को प्लेनर सेट करना चाहेंगे हम व्हाइट लाइट सोर्स यूज करेंगे ताकि हमारी जो व्हाइट फ्रिंस है वो हमें इन मिरर से प्रॉपर दिखे और हम इन मिरर्स को कोप्लेनर कंडीशन से में सेट कर सकें लेकिन जब हम इस मिरर को मूव करेंगे M1 मिरर को जब हम मूव करेंगे तो उस केस में हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करेंगे क्योंकि जब मिरर को हम मूव कर रहे हैं उस टाइम हमें फ्रिंजिस को काउंट करना है कि कितनी फ्रिंजिस हमारी शिफ्ट हुई है तो शिफ्टिंग के लिए हमें यहाँ पे फ्रिंजिस एक्जेक्टली फाइन चाहिए एंड फाइन फ्रिंजिस हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स में ही मिलेंगी तो यहाँ पे हम कैडमियम मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज कर रहे हैं तो इस कैडमियम मोनोक्रोमेटिक सोर्स को हम यूज करेंगे जब हम इस मिरर को शिफ्ट करेंगे तब एंड व्हाइट लाइट सोर्स यूज करेंगे जब इन मिरर्स को एक को प्लेनर कंडीशन में सेट करना होगा अब इस इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर इंस्ट्रूमेंट था हमारा उसमें एक हमारे पास ब्रोड सोर्स था एक बीम स्प्लिटर था हमारे पास ये यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे एंड जो लाइट हमारी स्प्लिट हो रही थी वो एम एंड एम मिरर से हमें मिल रही थी तो M1 वन मीर हमारा एजीज है लेकिन जो M2 टू मीर है उसकी जगह पे हमने यहाँ पे एक M मीर रखा और उस मीर को इस पोजिशन में रखा कि यहाँ पे जो लाइट फॉल होगी वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट होके आपके इन एटलोन्स पे गिरेगी बीच में हम यहाँ पे एक कम्पनसेटिंग प्लेट यूज करेंगे ये कंपनसेटर जो है उसका रोल एक्चुअल में फाइन मेजरमेंट्स के लिए होगा अब सबसे फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में द नंबर ऑफ वेवलेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक कैडमियम लाइट इज काउंटेड फॉर द शोर्टेस्ट एटलोन तो हमने क्या किया सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट में जो हमने नाइन एटलोन लिए थे उसमें से दो एटलोन हमने यहाँ पे शिफ्ट किए जिसमें हम जो शोर्टेस्ट एटलोन फर्स्ट है एंड उससे जो नेक्स्ट एटलोन है उन दोनों को यहाँ पे हमने सेट किया अब फर्स्ट एटलोन जो था उसके मिरर हमारे रिफ्लेक्टिंग मिरर है, है उसके मिरर M3 एंड दो एटलोन हम एक टाइम में लेके चलेंगे हमने इस प्रॉपर अरेंजमेंट में इन मिरर्स को सेट कर दिया व्हाइट लाइट सोर्स यूज करके इस M1 वन मिररर को इस एटलोन के M1 वन मिररर को एंड इस M3 थ्री मिरर को तीनों को हमने को कंडीशन में सेट कर दिया तीनों हमारे एग्जैक्टली सेम प्लेन में है ये सब हमने किया व्हाइट लाइट सोर्स यूज करके अब उसके बाद हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यहाँ पे यूज करेंगे एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के लिए हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कैडमियम लाइट जिसकी की पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी लेमडा अब इस लेमडा को यूज करके हम क्या कर रहे हैं इस लैमडा के साथ हम इस M1 मिरर को M1 प्राइम पोजीशन पे शिफ्ट कर रहे हैं यहां से यहां तक जब हमने इसको शिफ्ट किया तो हमने देखा कितनी फ्रिंजिस फ्रिंजिस का हुआ और उस फ्रिंजिस के के करस्पोंडिंग हम इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं हमने यहाँ पे जो शिफ्टिंग की है दैट शिफ्टिंग इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस फर्स्ट एथलोन और इस लेंथ को अगर हम एल लेके चल रहे हैं तो ये लेंथ हमारी किसके इक्वल होगी दिस लेकू एन लेमडा बाई टू क्यों क्योंकि एक फ्रिंज शिफ्ट होती है तो वो लेमडा बाई टू का पार्थ देती है ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं दो फ्रिंज हमारी शिफ्ट होंगी तो टू लेमडा बाई टू का पार्थ यहाँ पे मूव होगा एम वन मीर तो एम वन मीर टू लेमडा बाई टू के पास से मूव होगा तीन फ्रिंज शिफ्ट होंगी तो एम वन मीर थ्री लेमडा बाई टू के पाथ से यहाँ पे शिफ्ट होगा तो हम यहाँ पे कहते हैं की एम वन मीर को हमने इस टू मिरर तक या फिर इस L लेंथ तक मूव किया तो उसमें कुछ n हमारी यहाँ पे शिफ्ट हुई है तो L लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी एन बाय टू अब n बाय टू को हम अगर n प्राइम लिख देते हैं तो L लेंथ को हम n प्राइम लेमडा के साथ इक्वेट कर सकते हैं इसका मतलब फर्स्ट एटलोन की लेंथ को हमने इस लेमडा वेवलेंथ के फॉर्म में मेजर कर लिया है अब हम क्या करेंगे अब हम सेकंड एटलोन की लेंथ को इस लैम्डा वेवलेंथ की फॉर्म में मेजर करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे आपका जो m1 मिरर है अब ये m1 प्राइम पोजीशन पे आ चुका है अब हम अगेन व्हाइट लाइट सोर्स यूज करेंगे एंड व्हाइट लाइट सोर्स यूज करके हम इस अपने फर्स्ट एटलोन को मूव करेंगे इस टाइप से कि m2 m2 प्राइम पोजीशन पे पहुंच जाए अगर m2 m2 प्राइम पोजीशन पे पहुंच गया तो उस केस में क्या होगा आपका ये जो M1 वन की लोकेशन थी M1 वन प्राइम एंड ये लोकेशन यहाँ पे M1 थी ये भी यहाँ पे पहुंच चुकी होगी तो ये अगेन आपके कोप्लेनर हो जाएंगे तो ये अरेंजमेंट हम फिर से अपना व्हाइट लाइट सोर्स यूज करके करेंगे और उसके बाद फिर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से रिप्लेस कर देंगे व्हाइट लाइट सोर्स को मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से रिप्लेस करने के बाद फिर से हम एम प्राइम की लोकेशन मूव करेंगे एम प्राइम की लोकेशन तक और इस मोमेंट में हम फिर से देख रहे हैं फिर से जो यहाँ पे इस ये जो लेंथ थी ये लेंथ कवर हो रही है और ये जो लेंथ कवर हो रही है इसमें कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई उनको अगेन हम लेमडा बाई टू की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जब ये एम वन डबल प्राइम लोकेशन पे आपका मिरर आ गया है टोटल डिस्टेंस कितना मूव हो चुका है टोटल डिस्टेंस जो मूव हुआ है वो हमारे सेकेंड एटलोन की लेंथ तक मूव हो चुका है तो सेकेंड एटलॉन की लेंथ इस टाइप से लेमडा की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे आ जाएगी अब हम सेकेंड एटलॉन को थर्ड एटलॉन के साथ कंपेयर करेंगे फिर हम थर्ड एटलॉन को फोर्थ एटलॉन के साथ कंपेयर करेंगे एंड इस टाइप से हम जो अपना लास्ट एटलॉन है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ को लेमडा की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारा 10 सेंटीमीटर एटलोन है उसको हम हमारा जो स्टैंडर्ड वन मीटर है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो जब हम 10 सेंटीमीटर एटलोन को वन मीटर स्केल के साथ कंपेयर करेंगे तो उस केस में हमारा वन मीटर का जो स्केल है वो पर्टिकुलरली इन लेमडास की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा अब एक्सपेरिमेंटली ये तीन मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज किए गए हैं कैडमियम रेड लाइन कैडमियम ग्रीन लाइन एंड कैडमियम ब्लू लाइन एंड लेमडा आर की वैल्यू हमारे पास है सिक्स फोर थ्री एट पॉइंट फोर सेवन टू टू एक्सट्रोम देन वन मीटर आपका वन फाइव फाइव थ्री वन सिक्स थ्री पॉइंट फाइव लेमडा आर के इक्वल होता है सिमिलरली कैडमियम की ग्रीन वेवलेंथ एंड कैडमियम की ब्लू वेवलेंथ के लिए भी वन मीटर का स्केल इस टाइप से कैलकुलेट किया गया है अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्केल हमें मिला है ये कंप्लीट लेमडा की फॉर्म में नहीं यहाँ पे कुछ फ्रैक्शनल पार्ट में मिला है अब ये फ्रैक्शनल पार्ट क्यों मिला है क्यों क्योंकि हम जब यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फ्रिंजिस हैं वो कम्प्लीटली शिफ्ट ना होके कुछ पार्सल कुछ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस भी शिफ्ट हो हो रहा हो. तो इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि एक कम्प्लीट फ्रिंस शिफ्ट हुई तो वो हमारे इस लेमना वाइट टू पार्ट डिफरेंस के इक्वल है बट फ्रैक्शनल पार्ट अगर शिफ्ट हो रहा है तो उस फ्रैक्शनल पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे इस कंपनसेटिंग मिरर को इस कंपनसेटिंग मिरर को हम रोटेट करके उस फ्रैक्शनल पार्ट को एडजस्ट करेंगे एंड इसका जो रोटेशन होगा उस रोटेशन की हेल्प से हम मेजर करेंगे इस फ्रैक्शनल पार्ट को तो इस टाइप से हम एक्यूरेटली जो हमारा वन मीटर स्केल है उसको हम वेवलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड ये तीन ऑब्जर्वेशन हैं जिसमें कि वन मीटर स्केल को कन्वर्ट किया गया है आप जो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर है इसकी सबसे बेस्ट और हम कहें सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों ने भी सुना होगा लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी डिटेक्टिंग ग्रेविटी वेव फ्रॉम द डिस्टेंट यूनिवर्स इज बिल्ट विद अल्ट्रासोनिक माइकल्सन इंटरफेरोमीटर दैट मेजर द स्ट्रेचिंग ऑफ स्पेस इन वन आर्म कम्पेर टू द अनदर आर्म कि आपके यूनिवर्स में जो स्टचिंग हो रही है यूनिवर्स में जो डिस्टर्बेंस हो रही है उस डिस्टर्बेंस को मेजर करने के लिए ये लीगो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है एंड इस लीगो इंस्ट्रूमेंट का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो आपके माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे ही बेस्ड है

और ये कहाँ पे है ये यूनाइटेड स्टेट में है वन इनफोर्ड वॉशिंगटन एंड अदर इन ऑपरेटेड वेव्स एंड ये लिगो इंस्ट्रूमेंट जो यूएस में है ये आपका ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो कि माइन्यूट हम कहें कि बहुत माइन्यूट जो चेंजेस होते हैं माइन्यूट रिपल्स होते हैं या फिर माइन्यूट जो डिस्टरबेंस uh, होती हैं उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है इस टाइप के मेजरमेंट्स के लिए सो दिस इज ऑल अबाउट माइकलसन इंटरफेरोमीटर आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या है प्रिंसिपल क्या है एंड कैसे ये काम करता है एंड क्या इसकी बेसिक एप्लीकेशंस हैं Thank you.